Okay, are you ready? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वियनाज होम गार्डन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चेरी टमेटोज के प्लांट के बारे में। कि ये चौथी वीडियो होगी जो मैं आपको चेरी टमेटोज पे बता रहा हूँ। मैंने इसको देखिए सीड से ग्रो किया था और मैंने आपको पूरी अपडेट दी है अब तक इसकी, कैसे मैंने इसको सीड से ग्रो किया है, कैसे मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है, कैसे इसकी केयर की है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट। ये है वियना, ये एक दो तीन चार पॉट हैं, एक दो तीन पॉट यहाँ पर हैं और दो मैंने एक स्क्वायर शेप में पॉट लिया था, वो ब्राउन कलर का, वो भी है, थोड़ा भारी है, उसके लिए उसको मैं यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। उसके है देखिए अब कितना अच्छा ये बढ़िया कर रहा है। और एक ये वाला पॉट है देखिए, जो है वो ग्रोथ थोड़ी सी रुकी हुई है, इसकी जो ग्रोथ वो कम हुई है और इसके जो लीव्स हैं वो भी थोड़े से मुरझा रहे हैं। और देखिए ये है मेरा वो रेक्टेंगुलर बॉक्स, एंड जैसा कि आपको पता है इसमें मैंने लगा रखे थे कुछ कॉस्मोस और मैरीगोल्ड, वो सब ख़राब हो गए तो मुझे उनको निकालना पड़ा। अब इसमें देखिए सिर्फ टोमेटोज हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और ये एक और है ऊपर से, इसमें फ्लावरिंग आई थी तो उसको मैंने हटा दिया था। सबसे पहले देखिए जो नीचे की लीव्स हैं उनको मैं करूँगा हटाऊँगा अपनी। देखिए अभी भी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे प्लांट्स पर कोई भी सकर्स नहीं आई हैं, सच मुझको इनको प्रून या फिर ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। जो नीचे की लीव्स हैं उनको मैं कर रहा हूँ कट। देखिए इस वाले प्लांट में ये मैंने तीन लगाए थे और ये एक जो है वो मर चुका है। ये जो नीचे की लीव्स देखिए कट करनी से ज़रूरी है, क्योंकि जो नीचे की लीव्स हैं ये टच होती है हमारे इस पॉटिंग मिक्स में और जिसकी वजह से नीचे की लीव्स में वगैरह लगने का या रॉट होने का डर रहता है, तो वो उस पूरे प्लांट में ना फैले इसलिए उस नीचे वाली लीव्स को आप पहले कट कर दें। क्या हुआ बेटा, इसको क्यों चुप कर रही है? इस हमने कर दिया कट, इसको साइड कर लेंगे। दूसरा काम मैं करूँगा इसकी थिनिंग। ये वाला पॉट है अभी तो फिलहाल मैं इन दोनों को ऐसे ही रहने दूंगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो एक और बड़ा पॉट दूंगा। जो ये वाले की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो इस वाले को मैं इसको हटाना पड़ेगा। तो बोलते हैं थिनिंग। तो देखिए तीन प्लांट लगाए थे मैंने इसमें और मैंने ये देखा था कि जो प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करेगा मैं उसको एक प्लांट को रखूँगा, इससे ज़्यादा प्लांट होगा इस पॉट में तो ये पॉट इतना बड़ा नहीं है, कितने इसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकें कि ये तीन चार प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स दे सके। मेरे हिसाब से कि इसकी कैपेसिटी एक प्लांट की है इस पॉट की, तो मैं इसमें एक प्लांट रख रहा हूँ और इस एक प्लांट को भरपूर न्यूट्रिएंट मिले तो वो बेहतर है। अगर मैं तीन चार प्लांट इसमें लगा दूंगा तो किसी भी प्लांट को इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा कि वो एक अच्छे फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कर पाए, लेकिन अब सिर्फ इसमें एक प्लांट है तो भी इसमें न्यूट्रिएंट होगा वो सिर्फ एक प्लांट में जाएगा, तो हमें एक प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिल सकती है। पहले मैं भी देखिए मैं एक देखो हटा देता हूँ। वो तो टोमेटोज होते हैं वो होते हैं बिल्कुल हैवी फीडर्स। इसमें दूंगा अभी फ़िलहाल फर्टिलाइजर्स, क्या क्या फर्टिलाइज़र कब डालना है वो मैंने एक नोटबुक में लिख रखा है अपनी। सबसे पहला है मेरा वर्मी कंपोस्ट में होते हैं न्यूट्रिएंट्स होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फिर टाइम टू टाइम मैं इसको 15 दिन में एक महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे रहा हूँ। मैं यूजली मंथली दे रहा हूँ कंपोस्ट, तो के अलावा 15 दिन में मैं डाल रहा हूँ उसमें सीवीड। ये है सीवीड, ये है इप्सम सॉल्ट, तो इप्सम सॉल्ट देखिए काफ़ी ज़रूरी है टोमेटो प्लांट के लिए। उसमें टोमेटो में होता है एक ब्लॉसम रॉट, नीचे का जो हिस्सा है वो टोमेटो का फट जाता है या गल जाता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कैल्शियम की कमी से हुआ है, लेकिन वो यूजली होता है जब आप इरेगुलर वाटरिंग करते हैं टोमेटो प्लांट में। तो वाटरिंग का खास ध्यान रखें कि आपको इरेगुलर वाटरिंग नहीं करनी है, जब मिट्टी ऊपर की सूख जाए जब ही इसमें पानी देना है, और ऐसा नहीं है कि आपने रोज़ इसमें पानी दिया और आपकी मिट्टी नहीं सूख रही है और इसमें आप रोज़ पानी देते जा रहे हैं तो उससे ओवर वाटरिंग का खतरा हो सकता है। और अंडर वाटरिंग से भी बचें आप, इनको आपको ऐसा रखना है कि जो इसकी ऊपर की टॉप सॉइल है हमेशा मॉइस्ट रहे, अच्छी नहीं होगी तो आपके जो फ्रूट्स हैं वो गल सकते हैं, तो आपके कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। एंड पहले थोड़ी करूँगा मैं गुड़ाई और फिर इसमें डालूंगा फर्टिलाइजर्स। वो क्योंकि थैंक यू फॉर कमिंग इन माय वीडियो नाविक मे को। तो देखिए इसमें फर्टिलाइज़र डालने से पहले मैं इसको करूँगा गुड़ाई ठीक से। जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे। ये है वर्मी कंपोस्ट। बेटा वर्मी कंपोस्ट
इसको कर लेंगे ठीक से, मिला लीजिए अपनी सॉइल में। यह है सीवीड, तो सीवीड में देखिए होते हैं काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ये ज़रूरी हैं इसके ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। ओके तो देखिए ये भी जो अभी झुक रहे हैं तो मुझे इसमें एक लगानी पड़ेगी ट्रेलिस वगैरह, ऊपर से मारने पड़ेंगे ये, क्योंकि देखिए चाहे टमेटोज होते हैं डिटर्मिनेट, मतलब ये एक कि एक क्लाइंबर टाइप होते हैं ये, तो मुझे कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि गिरे ना। तो इसमें फ्रूटिंग होगी तो इसकी जो स्टेम्स है वो और भारी हो जाती हैं तो प्लांट के टूटने का डर रहता है। मैं इसमें सम सॉल्ट है, एक और आखिरी काम मेरे इन टोमेटो प्लांट्स में और वो है मल्चिंग करना। मल्चिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है मेरा सेमी डिकम्पोज लीव्स। तो पहला तो देखिए सबसे ये लीव कंपोस्ट, तो ये एज ए ऑर्गेनिक मैटर का भी काम करेंगे इसमें और थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे इन बाकी तीनों पॉटों में। के वीड्स आते हैं इसमें उगाते हैं जो, उन वीड्स को भी ये मल्चिंग आने से रोकती है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगर इसमें जो भी अपडेट होगा, जो भी मुझे फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा या कुछ भी, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।